सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन यूनाइट। आज एक गाइड में ज़रूर के ऊपर लाने वाला हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। पहली बात तो आप मेरी सेटिंग्स देख लो, क्या पता कुछ सेटिंग्स से आपको कुछ मदद मिल जाए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके हेल्थ क्रीचे येलो बार या वो सब कैसे आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो बूस्टेड अटैक केज है, तो वो कैसे आता है, पहली बात तो आप सेटिंग्स मेरी देख लो। वैसे तो मैं इस पर हाइएस्ट पर खेल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जितनी भी गाइस, जितनी भी कम्पिटिटिव गेम्स होती है, ऑनलाइन लाइव गेम्स जो चलती हैं, उसमें कोशिश करा करो जितने से कम ग्राफिक्स पे खेलो उतना अच्छा है। मैं लो पे खेलना चाहता हूँ, लेकिन लो पे पता क्या है, फिर आप लोगों को गेम अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं हाई पे खेलता हूँ। नहीं तो हाईएस्ट पे खेलने के लिए मुझे वो ऑलरेडी कह रहा है, लेकिन मैं नहीं खेलूँगा। और फ्रेम रेट हमेशा हाई रखो, लैंग्वेज और वो सब तो ठीक है। और अब कंट्रोल्स भी आप देख सकते हो कि भाई कौन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि लोवेस्ट रिमेनिंग एचपी जो होती है उसी पे मैं टारगेट करता हूँ, क्योंकि वो जल्दी मर जाए तो अच्छा है। ऑटोमेटिक अटैक्स भी ऑन है और ये सब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखा देता हूँ। बैटल इन्फो, ये देखो गाइस, बैटल बूस्टेड अटैक गेज मैंने ऑन कर रखा है, ये ऑफ होता है, तो इसको ऑन कर लेना। इससे क्या होता है, जो आपका कोई भी पोकेमोन है जो दो हिट के बाद जो तीसरा अटैक मारता है, वो हमेशा बूस्ट अटैक होता है, ज़्यादा डैमेज करता है, तो वो आपको दिखा देगा। ये अगर ऑन होगा तो आपको दिखा देगा कि भाई कि आपका तीसरा अटैक जो होने वाला है वो ज़्यादा डैमेज करेगा, तो उससे आप प्लानिंग करके मार सकते हो। तो बाय द वे गाइस, ये गाइड सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग और अच्छा खेलना चाहते हैं और अच्छा हाई रैंक एक्सपर्ट से ऊपर, वेटरन से ऊपर, अल्ट्रा से ऊपर, मास्टर रैंक में जाना चाहते हैं। इसी ये सिर्फ उनके लिए जो चाहते हैं कि मैं और अच्छा खेलूं, मैं और सीखना चाहता हूं। ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी कहते हैं भाई मैं तो हर मैच में प्रो आता हूं, तुम्हें तो खेलना नहीं आता, ये है वो है, तो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ भाइयों ने मेरे को बोला था, तो मैंने उनकी आईडी मंगवाई कि भाई मुझे आईडी दो, जरा मैं कुछ चीज़ चेक करना चाहता हूं। भाई उनकी विनिंग रेट भी 60% भी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए खेलते। और ये गैस टीम गेम है, और मैं अपनी दिखा देता हूँ। सीरियसली मैं, ये देखो मेरी 137 है और मैं ऑलरेडी वेटरन, एक दिन में मैंने पुश कर दिया था, और आपको बेटर रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ। 80% के आसपास, 80% तो नहीं है अभी, 2-3% ये जो गिरी है वो इसलिए गिरी है क्योंकि आप जैसे देख सकते हो मेरा एक सेंटर से एक हार गया और दो मैं हार गया, वो भी रैंडम मैच में, क्योंकि मैं सेंटरेस मेरा फेवरेट है और मैं उसको रैंडम मैच में खेल के थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि भाई कैसे उसको मैं और भी चीज़ बिल्ड बना के कर सकूँ। तो आज तो ज़रूर होगा कैसे खेलते हैं, और आज मैं कुछ अब बेसिक, मीडियम और एडवांस, कुछ और ज़्यादा हाई एडवांस लेवल पे मैं आपको बताने वाला कुछ चीज़ें कि उससे कैसे गैंक करना चाहिए। खैर गैंकिंग तो आप हर किसी पे कर सकते हो, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आइटम्स आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी यूज़ करने वाला हूँ, एक बार उसको ले जाता हूँ। तो गाइस आप आइटम देख सकते हो, मसल बैंड, ठीक है, मसल बैंड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ गाइस, हमेशा यूज़ करता हूँ। और स्कोप लेंस, वो आपके ऊपर, आपको स्कोप लेंस यूज़ करना नहीं करना, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं जिस पे एक बार कूदूँ तो उसको जितना ज़्यादा डैमेज कर सकूँ और डैमेज करके भाग जाऊँ, ठीक है, ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा देर उधर लड़ नहीं सकता। और जितने देर गाइस, ये ध्यान रखें, जितनी देर आप जिंदा रहोगे उतनी देर आप अपनी टीम की मदद कर सकते हो और दुश्मन को डैमेज कर सकते हो, ठीक है। तो सर्वाइवल इज़ द मेन थिंग, इसलिए मैं इसका वोल्ट स्विच और डिस्चार्ज यूज़ करता हूँ। और रेजर क्लॉ नई चीज़ आई है, पहले नहीं थी स्विच पे, तो गाइस इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इस पर एपिक है, ठीक है, ये यूज़ करना। और मैं इसको प्रैक्टिस एरिया में लेता हूँ, आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ इसकी कि कैसे आप ज़रूरत से गैंग करो और कौन सी जगह आपको खड़े रहना है, कौन सी जगह नहीं रहना। और यहाँ पे मेरा मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपना इजेक्ट बटन। और यहाँ पे कौन सा पोकेमोन लिया जाए, ऐसा कोई पोकेमोन लिया जाए कि जो ज़्यादा परेशान भी ना करे। स्लोरैक्स लेते हैं, क्योंकि स्लोरैक्स शायद ज़्यादातर लोग खेल लेते हैं, ठीक है गाइस। तो अब इसको शुरू करते हैं। बाय द वे, चलो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जो चैनल में नया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग भी शेयर कर दी है, प्लस मैं आपको ज़रूर से बताने वाला हूँ। और क्या नाम है, ये जो एडवांस वाली जो मैं बताऊंगा ना कि आपको कहाँ पे खड़ा रहना, कहाँ पे नहीं रहना, वो हर किसी पर अप्लाई होगी, और ज़रारा और स्पीडस्टर पे तो खास तर की अप्लाई होगी। और मैं इसके एवर गाइस इनविजिबल करके इसकी लेवल अप कर देता हूँ। और आज गाइस हम नया बिल्ड ट्राई करने वाले हैं, ठीक है, नया बिल्ड ट्राई करने वाले हैं। तो क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बिल्ड अच्छा हो गया, और मैंने देखा कि हाँ वो बिल्ड ज़्यादा अच्छा हो चुका है, उसको पफ कर दिया, डिस्चार्ज नर्व कर दिया। तो आज हम खेलेंगे स्पार्क से और डिस्चार्ज से, ठीक है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैंने जैसे बताया कि लूडोगुलो कहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा, तो आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ग्रीन यहीं से दिख रहा है, यानी कि लूडोगुलो ऊपर आएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो स्पार्क होता है ना, वो 2-3 बार यूज़ कर सकते हो आप। और स्पार्क यूज़ करने के बाद आप मिली मारो, फिर दोबारा मिली मारो, और जितनी बार आप मतलब स्पार्क मारने के बाद अगर आप वाइल्ड चार्ज यूज़ करते हो तो वाइल्ड चार्ज ज़्यादा डैमेज करेगा, लाइक मतलब ज़्यादा कॉम्बो मारेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैं डिस्चार्ज अभी भी यूज़ करता हूँ, वोल्ट से इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को सेफ रहना पसंद है। और वेटरन रैंक पे जब आप पहुँचोगे, तो जैसे कि देखो गाइस, अगर मैं इस पर नॉर्मल और कितने हिट मारेगा, 1-2-3, ठीक है,
ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं इसको स्पार्क के बाद मारूंगा, स्पार्क के बाद चार हिट, चार बार मारे हैं, तीन की जगह चार बार, देखो। तो ऐसे ये आप कर सकते हो कॉम्बो। और ये जो डॉल है, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ये सब्स्टिट्यूट डॉल है जिसमें आप अपना कॉम्बो वो कर सकते हो, मतलब कितना डैमेज। अब देखो, अब देखो ये कॉम्बो मैंने मारा तो कितना डैमेज करा, टोटल डैमेज 10,734, ठीक है, 10,734 डैमेज करती है ये। इसलिए डॉल रखी गई कि आप नए नए कॉम्बो ट्राई कर सकते हो। और बाय द वे, जब आप जंगल से फार्म कर रहे हो, आप ये नोटिस करो, ध्यान से सुनो, ये नोटिस करो कि आपने लूडू गिलो मारा, आपने ये मार दिया, बफलैंड मार दिया, तो आप मैप में देखना कि यहाँ पर आपकी टीम को ज़्यादा परेशान करा जा रहा है कि यहाँ पर करा जा रहा है। तो आप उस हिसाब से, अगर आपको आपकी टीम को ऊपर परेशान करा जा रहा है, तो बफलैंड मारते ही जो भी यहाँ पर बफ होगा या जो भी बफलैंड मारते ही आपने इसको मारना है, जैसे कि आपकी जल्दी लेवल अप हो, और फिर फटाफट से आपको इसको मारते यहाँ पे इनको गैंग करना है। यहाँ से गैंग कर सकते हो आप डायरेक्ट। अगर 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 गाइस यहाँ पे दुश्मन है, इधर दुश्मन है, ठीक है, इधर अगर वो यहाँ पे है, अगर गाइस यहाँ पे दुश्मन है ना यहाँ पे, तो आपको पता क्या करना है उसको, एक बार मैं ना अपनी गाइस वो कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है, क्योंकि भाई अभी वर्ल्ड स्विच है नहीं। तो आप यहाँ से आके इनको, ये मैं जरोरा का और स्प्रिटस्टर का बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से आके यहाँ से गैंग कर सकते हो, या फिर इधर से आके, ठीक है, यहाँ से आके आप ऐसे पकड़ो और फेल दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब देखो इसको मारा और आ जा, कहाँ जाएगा अब, कहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको गैंग करना है, और बफ हो गया तो भाग भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। और अब मैं बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो, आप ज़रूरी नहीं है कोई भी हो, जो सबके लिए अप्लाई होती है, अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ पे लड़ते वाले बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपको दुश्मन गैंग कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, भले इतनी दूर से वो घास में घुसेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको बहुत सेफ रहना है स्टार्टिंग में, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करो कि आप अपने गोल के पास रहो, यहाँ पर रहो, ठीक है, और यहाँ से लड़ो। और फिर भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो कोशिश करना कि आपका इजेक्ट बटन होगा, अगर इजेक्ट बटन नहीं है तो आप ऐसी कोई स्किल रखना जिससे आप भाग सको, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ो, जैसे कि आपको वो बंदे यहाँ पर जो होंगे वो आपको टारगेट नहीं कर सकेंगे, उनको बाहर आना पड़ेगा और आप उनको थोड़ा परेशान कर सकते हो। और ये वाला वेस्क्यूइंग आपको जरूर लेना है, ठीक है, ये वाला जरूर लेना है। अभी देखो अगर मैं सिंपल सा ये मारूँ तो कितना, बस तीन मारा, लेकिन 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 अगर मैं स्पार्क मारूँ, अब देखना कितना डैमेज करता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली, अगर अगर हाँ अगर आप एक दो, अब इसके बाद अगर मैं इसको मार के मारूँ ना, अब इसमें भी उतना डैमेज करेगा, चार चार हिट मारे, देखा। तो ये बूस्टेड गेज ऑन कर लेना, ये आपको मैंने बता दिया। और वो उधर ड्रेडनो फार्म कर चुका है, और हमेशा मैंने आपको बताया कि ड्रेडनो हमेशा फार्म करना, रोटम को टाइम मिलता तो कर लो, लेकिन ड्रेडनो हमेशा पहले फार्म करो, ठीक है। अब बात आती है, अगर आप पूछोगे कि मेरी यहाँ पर फाइट आ रही है, तो आपको पता है यहाँ पर रहना है, कोशिश करना यहाँ से अवॉइड करना, और गैंग करना हो तो आपको पता है। अब जैसे कि आपने चला गया टी, अब जैसे कि आपने यहाँ पे बंदे लड़ रहे हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो और हाँ जब स्टार्टिंग होती है ना गाइस, स्टार्टिंग होती है, मैंने कई लोगों को नोटिस करा है, वो यहाँ पे आते हैं, इसको और इसको मारने लगते हैं। आप पता क्या करो, एक बंदा इन दोनों को फार्म करे, ठीक है, अब मैं सबके लिए बता रहा हूँ और एडवांस भी बीच बीच बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लो। तो इसको इसको जरूर मारा करो, मतलब ये तुम्हारी वो है, एक फ्री है, ये वो है तुम्हारे दुश्मन, और तुम्हारे बीच में कौन इसको ले सकता है वो है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी दो दुश्मन के लिए और ये हमारे लिए, तो ये लेने से पहले ये तो आप लो ले ही लोगे, इसको लो यहाँ पे ज्योति, ठीक है, और गैंग। अब अगर मान लो दुश्मन यहाँ पर है तो आप कैसे पकड़ोगे भाई, आप ऑब्वियसली यहाँ से आओगे तो दुश्मन को दिख जाएगी कि आप आ रहे हो, तो कैसे, तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से जाके अब वो ले लेते हो यहाँ से स्पीड, तो यहाँ से आपको आना है, यहाँ से आ सकते हो, या ऐसी जगह से आओ कि भाई बंदे को घुसना दे, मतलब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे अगर लड़ रहे हैं तो यहाँ से कूदो और भाई चढ़ जाओ, मतलब चाने मत दो उनको, और कोशिश करो उनके मुंह के आगे खड़े रहने के लिए, कि आप ऐसे 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 करके, मेरा आप गेम प्ले देख सकते हो तो आप उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपका बिल्ड है और आप इसमें बहुत डैमेज कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पार्क मारना है और फिर ये मारना है, तभी चार हिट लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। इसको बफ कर दिए, पहले 11 सेकंड का कूलडाउन था, अब 8 सेकंड कर दिया, डैमेज भी बढ़ा दिया और स्पार्क भी कर दिया सही। लेकिन मैं अभी भी वोल्ट स्विच और आपको कहता हूँ कि डिस्चार्ज यूज़ करता हूँ, चाहे उसको नर्फ कर दिया हो, जैसे ग्रे निंजा को नर्फ कर दिया, तो आप समझ जाओ। अब मान लो जैसे कि आपकी टीम बहुत बुरी है, लाइक मतलब ये आपका पहला गोल टूट चुका है, तो आप कैसे करोगे, कैसे पुश करोगे,
कैसे जाओगे, तो कोशिश करो ड्रेडनो की लेने की, ठीक है। ड्रेडनो भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपके पास अगर जो रेंज है, रेंज क्लास है जो, तो कोशिश करो भाई रेंज से थोड़ा थोड़ा उनको परेशान करो, किसी तरह पुश करो, ड्रेडनो को लो। अगर ड्रेडनो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी बंदे यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो आप वोल्ट स्विच अगर आपके पास हुआ, अगर चलो ये भी हो, आपने ये मार के तो आप अल्टी चला दो, ठीक है, अल्टी चला दो बस, मतलब आप ऐसे कर दो, यू कैन डू इट। हाँ अल्टी खा, सारी अल्टी खाओ, खैर इतनी अल्टी तो चलती नहीं है, इतना अंधेरा तो होता नहीं है भाई, ड्रेडनो को तो कुछ ज़्यादा ही हमने ख़राब कर दिया। तो ये छोटी मोटी टिप्स थी और कुछ एडवांस टिप्स थी मीडियम की, और आप जंगल फार्म कर सकते हो, आप यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से फार्म कर सकते हो, अगर बाई चांस आप यहीं पर ऑलरेडी आपके बंदे जैसे वो रोटम ले रहे हैं और यहाँ पे बेस, यहाँ से भी आप गैंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ से दुश्मन का आपके घर के पास होता है अपने उसके, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप गैंग करो तो यहाँ से करो, अगर बंदे यहाँ पर है, अगर बंदे यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन उनके बचने के चांसेस तो, इसलिए आपको बफ चाहिए होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और बाय द वे गाइस, इसमें आपको भी डैमेज होता है, पता है आपको भी डैमेज होता है, तो ये चीज़ें, ये बिल्ड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है भाई, बड़ा वो है यार। बाय द वे काउंटर है इसका, अज़रोरा का काउंटर, मैचैम्प और सोनोलैक्स और स्लोब्रो काउंटर है, तो इन सब बच के रहना, क्योंकि आपको सुला सकते हैं ये, आपको स्टन कर सकते हैं, आपको हवा में लटका सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ हो तो ऊपर वाले को गैंग करना, जहाँ पे हो रहा है तो ये वाला, उस हिसाब से आप फार्म करना। आई होप आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रोरा का बिल्ड आपको मैंने दिखा दिया है और आपको बता दिया है कि स्पार्क मारो या फिर जो आपका मेन अटैक है, जो बूस्टेड गेज है, जो डबल हो जाता, जो आपको सेटिंग कही थी, तो वो आप कर सकते हो। उससे आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ मैं प्लान करके अब मैं तीसरा अटैक मार सकता हूँ, उसमें ज़्यादा डैमेज कर सकता हूँ। आइटम्स आपको मैंने बता दिए, तो आई होप आप लोगों को ये वाला बिल्ड आप ट्राई करो, जो ऑलरेडी ट्राई कर, अच्छी बात है। बस ये जो चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं बचने की और गैंग करने की, ये आप अप्लाई करो। और क्या बताया जाए, और नर्फ होने के बाद भी ग्रीन निंजा से, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ, नर्फ होने के बाद भी मैंने इतना डैमेज कर दिया है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और विनासोर का जो मेरा 33 किल्स वाला जो था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो पेटल डांस और उसके साथ था, जो ग्रीन निंजा वाला था वो मैंने वाटर शुरुगेन और स्मोक स्क्रीन के साथ करा था, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कौन सा बिल्ड करोगे, सारे बिल्ड अच्छे हैं, वो आपके प्ले स्टाइल के ऊपर। एंड पेटल डांस वाला और गीगा ड्रेन वाला, ये आपके स्क्रीन पे, ये रहा स्क्रीनशॉट की भाई मैंने इतना डैमेज करा, 1,15,000 इतना कुछ है, तो आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये गाइड जरूर है कि प्लस ये वाला बिल्ड आप ट्राई करो। गाइस प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप किसी की भी गाइड देख लो, मेरी देख लो, किसी की भी देख लो, आपको आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप कोई मैथ्स का सवाल कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे करता है, आप कहते हो कि ये तो बहुत आसान है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको बेटर रैंक एक्सपर्ट से ऊपर जाना है, बेटर रैंक से ऊपर जाना है, तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी से आगे लेता हूँ, ऑडियो टेक केयर, शब अगैर एंड पीस आउट।